सत श्री अकाल जी, स्वागत सारे का देश प्रदेश लाइव प्रोग्राम दे विच। मैं थोड़ा अपना दोस्त अमन हाजिर हाँ जी, अच्छे प्रोग्राम लैके जिद रोज़ की तरह अज भी सदा दिता गया एक्सपर्ट न। अज जे एक्सपर्ट साढ़े नाल मौजूद ने, पहले उन्होंने थोड़ा मिला दीए। उन्हें जी स्वरण संधु जी रैफल जजू सिटी तो पहले स्वागत कर दी उन्होंने। संधु साहब बहुत स्वागत, सत श्रीकाल जी सारे। सो अज कोशिश करा जी, जिमें सारे जानते हो संधु साहब खुद कैनेडा तो आए आ, उन्होंने उत्थों आ के इतने दफ्तर खोलिया। सारी प्रॉपरली उन्होंने बारे इनफॉर्मेशन, उन्होंने कंपनी बारे इनफॉर्मेशन काफ़ी बारी थोड़े ना सांझी की गई है। अच खास एक कोशिश करा जो उन्होंने एक्सपीरियंस, जो रैफल एजू सिटी का एक्सपीरियंस कैनेडा बारे है, कैनेडियन स्टूडेंट वीज़ा सर्विसिज़ बारे है, उन्होंने शेयर करिए, ताकि हूँ जोड़े बच्चे स्टूडेंट्स जोड़े साढ़े जाना चाहते हैं कैनेडा, जो क्वेरीज कर रहे हैं, उन्होंने बारे असी हर तरह की असैसमेंट उन्होंने तक पहुँचा सकी, उन्होंने तक अवेयरनैस पहुँचा सकी, हर एक चीज़ हर प्रोसीजर डिस्कस करने की कोशिश करा। कुछ रह जाता तो रैफल एजू सिटी सीधा भी रबता कायम किया जा सकता। पहला संधु साहब, एक असैसमेंट जो सैल्फ असैसमेंट जिन्हों कही घर बैठे स्टूडेंट किमें कर सकता भी वाकई मैं कैनेडा लिए एलिजिबल हाँ कि नहीं, जो जनरल स्टूडेंट है। दर्शको, कैनेडा एक डिफरेंट मार्केट आ, कैनेडा का एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट है। लास्ट भी मैं काफ़ी देर पहला एक शो दे विच थोड़े नाल जिक्र किया सीगा, हर कंट्री की अपनी एक कोई प्रेफरेंस हुंदी आ, हर कंट्री का अपना एक सिस्टम हैगा, एजुकेशन सिस्टम हैगा। अगर असी तीन कंट्रीज़ की गल करते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ते कैनेडा दी, जेडे ये दो कंट्रीज़ ने, इन्हां लई मे बी ए स्टूडेंट्स दी डिफरेंट तरीके नाल एजुकेशन बैकग्राउंड चेक करदे आ। न्यूजीलैंड दे विच अगर असी गल करिए परसेंटेज दी, तां कॉलेजेस भी एंड वीज़ा ऑफिसर्स भी बहुत ज़्यादा इस गल नूं तवज्जो नहीं दिंदे कि प्लस टू के विचों किन्नी हैगी है जी, उन्हां दी परसेंटेज की आ, इंडिविजुअल स्कोर की ने, इन्ना बहुत ज़्यादा वो तवज्जो नहीं दिंदे। बेसिकली जिहड़ा कैनेडा दा परपस हैगा जी, कैनेडा गवर्नमेंट पैसा कमाण लई स्टूडेंट वीज़ा नहीं कर रही। ये थोनू थोड़ा जिहा ये समझना पैना कि जिदा न्यूजीलैंड नू, मे बी ऑस्ट्रेलिया नू इकोनोमी अप करन लई पैसों की जरूरत आ, वो बच्चों नू रेजीडेंसी भी देना चाहते आ और वो बच्चों तो पैसे भी कमाना चाहते हैं, बच्चों को बुलाना भी चाहते हैं। कैनेडा गवर्नमेंट का थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है जी, उन्होंने पैसे नहीं चाहिए। सो जो उन्होंने पैसे नहीं चाहिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ब्रिलियंट स्टूडेंट्स चाहिए ने। हम साढ़े को कई बच्चे आएंगे, वो कहेंगे जी आइलट्स के अगर सत्त बैंड आ जाए, साढ़े सत्त बैंड आ जाए या अठ बैंड आ जाए, तो मार्क्स साढ़े ओवरऑल परसेंटेज जी लास्ट साड़ी क्वालिफिकेशन वो 55 या 50% ने, बट आइलट्स चो साढ़े अठ बैंड है, साढ़े सत्त बैंड ने। कैनेडा गवर्नमेंट नू इंग्लिश बोलने वाले नहीं चाहिए, वो कहते कि इंग्लिश तो साढ़े गोरे भी बहुत बोलते हैं, सानू ब्रिलियंट स्टूडेंट चाहिए ने जी, उन्होंने पैसा भी नहीं चाहिए। अगर पैसा ही चाहिए होंगे तो इन्वेस्टमेंट कैटागरी जीडिया उन्होंने पहला खोलिया से ही बंद कर देंगे, 50 लाख करोड़ 2 करोड़ लै गए लोगों। अगर अज भी अमन भाई जी, अगर कैनेडा का तो यूएस का इन्ना क्रेज़ हैगा अपने लोगों कि अगर कोई इदा की खिड़की खुल जाए जिदे दिल्ली तो एक पासे कहेंगे एक पासे 1 करोड़ रुपया जमा करा दो, दूजे पासे परिवार के 2 या 4 मैंबरां दी पीआर लैके दूजे खिड़की चो बाहर निकल जाओ, दिल्ली तो लैके ना मोगे तक लाइना लग जाएगियां जी, और लोग एक दूजे का गला पड़ देंगे लाइन च मूहरे लगन लिए, करोड़ करोड़ रुपया हाथ च फड़ के, मतलब आ क्रेज़ हैगा। इसलिए उन्होंने कदे पैसा नहीं चाहिए। फिर की सोचते हैं जी, वो किस हिसाब नाल उन्होंने एजुकेशन सिस्टम बनाया, एक्चुअल उन्होंने ना स्किल्ड वर्करां दी बहुत जरूरत है जी। हुण देखो उन्होंने जिहड़े मैरिज वाले केस सीगे उन्हां दा टाइम लंबा करता, पेरेंट्स नूं बुलाउंदे सीगे जदों उह परमानेंट रेजीडेंसी देण लग गए सी जी, उहनूं बदल के सुपर वीजे च करता, पीआर जिहड़ी दिंदे सीगे उहदियां सख्तां जिहड़ियां शर्तां सख्त करतियां। बेसिकली उन्हां दा जिहड़ा मकसद हैगा कैनेडा गवर्नमेंट दा कि यंगस्टर स्किल्ड एजुकेटड हाई प्रोफाइल क्रीम वाले जिहड़े यंगस्टर्स ने उही साडे कोल आउण। आ उन्हों का क्राइटेरिया जी, उन्होंने को ना यंगस्टर्स की कमी बहुत आ। मैं लास्ट टाइम भी तुम्हें दसिया सी बेबी बूमर जिहड़े नवे दर्शक ने उन्होंने, मैं एक बार फिर तो दस देव कि सैकंड वर्ल्ड वार जो हुई सी उदो लखा ही आर्मी वाले बंदे, लखा ही फौजी अपने देश तो बाहर रहे सीगे, वो जदों घर वापसी जदों खत्म हुई 47 तो बाद जदों जंग सैकंड वर्ल्ड वार खत्म हुई, वो सारे दे सारे एकदम घर दे विच वापस आए, उन्होंने शादियां कीतियां, बच्चे पैदा किए, वो सारे बच्चे इक्को एज दे ने, उही हुण उन्होंने ही बेबी बूमर कहिंदे ने। अमेरिका और कैनेडा दे विच प्रॉब्लम आ, वो बहुत ज़्यादा बजुर्ग
60 साल दे इक्को ही एज दे हैगे ने जिहड़े मतलब टोटल 3.5 करोड़ दे विचों किन्ने करोड़ तां उही बेबी बूमर हो गए ने लगभग 80-90 लाख दे करीब है उन्हां नूं हुण ओह यंगस्टर चाहीदे ने बट किहड़े सो इह ना इक एजुकेशन सिस्टम नूं तुहानूं थोड़ा जिहा समझना पैणा जी कैनेडा दे नूं उहदे लई असैसमेंट लई हुण जिवें भाजी ने गल कीती है कि उहदी सैल्फ असैसमेंट थोड़ा जिहा टफ प्रोसीजर आ कैनेडा दी सैल्फ असैसमेंट कर दिओ बिकॉज असीं सोच लैंदे आ अपने हिसाब नाल भी आ तां साडे कोल इदां हैगा या कैनेडा एवें तां सानूं लै ही लऊगा एक्चुअली एक होर भी सब तों वड्डी प्रॉब्लम है जी साडे पंजाब दी कह लो तुसीं अमन भाजी कैनेडा करन वाले एक्सपर्ट है नहीं गे जी कैनेडा स्टडी वीजा बोर्ड हर गली महल्ले ते लग्या होया बट कैनेडा करन वाले एक्सपर्ट है नहीं कैनेडा दे जिहड़े कॉलेजेस ने वह भी बहुत सारे एजेंट्स नाल काम ही नहीं करते तुसीं जिहड़ियां छोटियां छोटियां जगह ते जा जा के अपनियां फाइलां जां अपने केस दे के आउंदे हो ना इह कैनेडा दे कॉलेजेस दे रिप्रेजेंटेटिव मेरे ख्याल कैनेडा नाम एक जरूरी हो जाता जदों एक इमीग्रेशन का बोर्ड बनता उहदे विच लिखना जां उहदा झंडा बनाउणा नॉलेज होवे ना होवे वो काउंट नहीं करती चीज़ बिल्कुल ठीक है मैं बिल्कुल एग्री करता भी बहुत ज़्यादा जिन्नी एडवरटाइजमेंट हो रही है जिन्ना कैनेडा नूं दिखाया जा रहा उन्ना एक्सपर्ट नहीं है कोई ठीक है बहुत घट होणगे बट जिन्ने हर कोई कैनेडा नूं अपने आप नूं एक्सपर्ट कहिंदा उह नहीं है उन्हां कोल जाण दी लोड़ पैणी है जे प्रोफाइल असैस कराउणी है सही तरह स्टूडेंट वीज़ा ते आपां दुबारा आउने आ एक बच्चा हुण जिन्ने प्लस टू की है या ग्रेजुएशन की बीटेक की इंजीनियरिंग स्टूडेंट कोई भी है जिन्हें कैनेडा जाण दा सुपना देखिया की होना चाहिए वो प्रोफाइल के अकैडमिक स्कोर ग्रेड्स किने होने चाहिए आईलैट्स बैंड्स की चाहिए जो घर बैठे देख सकते हाँ भी जो मैं संधु सर ने दसिया मैं वो अकॉर्डिंग पूरा करदा दो तरह के उत्थे सिस्टम ने मैं थोनों दस दवा एजुकेशन का सिस्टम की आ कैनेडा दे विच हर प्रोविंस दे विच अपना डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम है जिदा फॉर एग्जाम्पल के तुसी कोई भी एहोजा कोर्स ना चूज कर लियो गलती दे नाल जदों तुसी कैनेडा जाना जिस तो बाद थोनू उत्थे प्रॉब्लम्स आन और थोनू फिर PR ना मिले थोनू फिर वर्क परमिट ना मिले सो जदों हुण मैं थोनू एक छोटी जी एग्जाम्पल दिना कैनेडा दे विच दो प्रोविंसेस दी हुई आपां एग्जाम्पल लैके चलदे हां जी एक हैगी है जी ओंटेरियो दूसरा ब्रिटिश कोलंबिया इन्हां दोनों प्रोविंसेस दे विच जमीन आसमान का फर्क है ओंटेरियो प्रोविंस दे जिन्ने भी कोर्सेस ने जी वो सारे ब्रिटिश गौरमेंट दे जिदा इंग्लैंड तो आप कह लिए कि जिमें मोटीवेट होकर बनाए हुए ने या इंग्लैंड दे एजुकेशन सिस्टम नू कोरिलेट करते हैं फॉलो कर देने जी एग्जैक्ट वर्ड कि उहदा रीजन की सीगा जी जिदा ब्रिटिशर्स ने इंडिया ते राज कीता ना एवें ब्रिटिशर्स ने कैनेडा ते भी राज कीता जी जदों उन्होंने कैनेडा ते राज कीता तां कैनेडा दे विच ओह ओंटेरियो स्टेट दे विच लंडन उहदा नाम इसलिए उन्होंने लंडन रखिया क्योंकि जिथे आके ओह बैठे उन्होंने उस सिटी का नाम ही लंडन रखता जी जिहड़ी टोरंटो तो 2.5 घंटे के रस्ते ते आ ड्राइव तो आ जिहड़ी मैं हमेशा दसदा कि उत्थे एक बहुत वधिया कॉलेज ने यूनीवर्सिटी ऑफ वैसटन ओंटेरियो आ जी फैनशो कॉलेज आ उस जदों उन्होंने आके उत्थे बैठे किन्ने साल रहे उन्होंने एजुकेशन सिस्टम नूं अपने वर्गा बनाता उहदे ओंटेरियो दे बहुत सारे इहो जिहे कॉलेजेस ने जिन्हां दे विच मतलब नंबर ऑफ कोर्सेस ने तुसीं ओंटेरियो दा एक भी कॉलेज दा प्रोस्पेक्ट चक के देखो तुहानूं 100 तों वध तरहां दे कोर्सेस मिलणगे जी किन्ने ही तरहां दे कोर्सेस कई कोर्सेस तां एवें दे कोर्सेस ने जिन्हां नूं करन तों बाद बच्चे दा कोई फ्यूचर नहीं हैगा जी फॉर एग्जाम्पल जी एमरजेंसी मैनेजमेंट BSc बैचलर ऑफ नर्सिंग जिहड़ियां ने करन चले जांदियां ने एमरजेंसी मतलब ए इदां दे एक कोर्स है जी एमरजेंसी मैनेजमेंट हुंदा कि कदे कोई एमरजेंसी हुई देश दे विच ए एक है जी इस तों इलावा किन्ने इहो जिहे कोर्सेज ने ओह कोर्सेज बने होए ने बट ओह कोर्सेज बनन तों बाद करन तों बाद उहदी कोई जॉब मिलदी आ नहीं मिलदी PR हुंदी आ नहीं हुंदी एडवांटेज नहीं है बेसिकली कोई यही अगर तुसी ब्रिटिश कोलंबिया नूं लवो ब्रिटिश कोलंबिया दा एक भी कॉलेज दा प्रोस्पेक्ट चक के देखो थोनूं बहुत घट कोर्सेज मिलणगे कंपैरेटिवली ओंटेरियो तो जी ये भी मन्निया जांदा है जी कैनेडियन जिहड़े सिटीजन ने ओह जाके तुसी कोई कैनेडियन एक्सपर्ट दी गल मैं कोई किसी स्टेट नूं माड़ा जां चंगा नहीं कह रहा ना मैं किसी नूं प्रमोट करदा मैं टोरंटो दे ओंटेरियो दे सारे कॉलेजेस नूं प्रमोट करदा बट मैं थोनूं कैनेडियन लोगों की गल दसदा कि जिवें दिल्ली तो कोई बंदा आउंदा ना दिल्ली वाला बंदा आ के थोड़ा जिहा टौर मारदा पंजाब वालियां ते कि मैं दिल्ली तो आया एवें ब्रिटिश कोलंबिया वाले थोड़ी जी टौर मारदे ने जी ओंटेरियो वालियां ते ओह कहिंदे ने असीं थोड़े जिहे वधिया वां थोड़े नालों क्योंकि कहावत ये बनाई हुई है जी उधरले लोगों ने कि इफ यू वॉन्ट टू डू द
ब्लू कॉलर जॉब्स, अगर ब्लू कॉलर जॉब्स करनी है ने जी, ब्लू कॉलर जॉब्स कहते हैं उन्होंने जेडे उधर लोग ना टेक्निकल काम कर दिया, स्किल्ड काम कर दिया, इंजीनियर्स हो गए, सारे सारे तरह के जेडे टेक्निकल वर्कर हो गए है ना, वो ब्लू कॉलर जॉब्स कहते हैं। अगर तुम ब्लू कॉलर जॉब करनी है तो ओंटेरियो के कॉलेजेस तुम्हें वधिया कोर्सेस करवाएंगे, अगर तुम वाइट कॉलर जॉब्स करनी है तो ब्रिटिश कोलंबिया के कॉलेजेस तुम्हें वधिया कोर्सेस करवाएंगे। ये तो उन्होंने खैर कहावत आ इस ए दौरान मतलब, बट उन्होंने को बहुत सारिया ऑप्शन है नी, ब्रिटिश कोलंबिया के बहुत सारिया ऑप्शन कोर्सिज दी है नी। ए दौरान हुण तुसी कैनेडा, हुण तुसी ओंटेरियो जा रहे हो, असी भी भेज दें, तो की इहोजा ध्यान किया जाए कि ओंटेरियो दे विच रह के भी थोनू ब्लू कॉलर जॉब्स ना करनिया पैन। हुण पॉइंट ए हैगा जी कि ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਓਨਟੈਰੀਓ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈ ਅਪ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪੋਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਦੀ ਖੁਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਸਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਦੱਸ ਪਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਫ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ, ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਏਜੰਟ ਦੇ ਗਲਤ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕੋਰਸ 'ਤੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਬਲੂ ਕਾਲਰ ਜੋਬਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੀ ਆਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪੀ ਆਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿਵੇਂ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀ ਆਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਧਰੋਂ, ਇੱਧਰ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਾ 30 ਲੱਖ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਲੜਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, 30 ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੀ ਆਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੀ ਆਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕੋ ਬੱਚਿਓ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ? ਪੀ ਆਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ $10, $11? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ 200 ਜਾਂ 250 ਰੁਪਇਆ, 300 ਰੁਪਇਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਾ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਇਰ ਹੈ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਫੀਸ $500 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਜੀ ਉੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ $500 ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜੀ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, $500 ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਏ ਤਾਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ $500 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? $5,000 ਸਿਰਫ 5 ਘੰਟੇ ਏਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ 5,000, 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ $5,000 ਕਮਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਲੇਬਰ ਕਰਦਾ, 1 ਘੰਟੇ 'ਤੇ $10 ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ $100 ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ $3,000 ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ, $2,000 ਦਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲਿਆ, $5,000 ਬਣ ਗਏ। ਗਧੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 30 ਦਿਨ $5,000 ਕਮਾਏ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਏਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ $5,000 ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੋਬ ਦਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਬੱਚਿਓ, ਕਰਨ ਕੀ ਚੱਲਿਓ? 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ 13ਵੀਂ ਕੌਮ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਧਰ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਜੰਟ ਗਲਤ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਰਸ
गलत चूज किया, तीजी गलती होंगी कॉलेज गलत चूज किया, चौथी गलती होंगी उत्थे जाके काम करन लग गए। यह जी 50 गलतियां जो तुसी अपने ड्यूरिंग टेन्योर दे विच ना पूरे 2 साल के कोर्स दे विच करदे हो, फिर खेतों च 10-10 डॉलर ते ही काम करना, फिर कोई है नहीं गा उधर कोई कि तुसी कोई बहुत वड्डे ऑफिसर बन जाओगे या कोई डीसी लग जाओगे। मेरा कहण दा अज पूरे शो दा सारी कन्वर्सेशन जिहड़ी हुण तक होई आ उहदा मतलब यह है कि की कैनेडा दे विच जाना भेज दूंगा जी, पीआर करवानी है होजूगी जी, पीआर होजूगी जी, फिर अगे व्हाट नेक्स्ट, उस तो बाद की है कि 10 डॉलर दे नाल लाइफ निकल जूगी थोड़ी, करके देखो कैलकुलेशन। संधु साहब ए मैं एक चीज पूछना चाहना, जदों इत्थों बच्चा चले जांदा है गलत कोर्स दी तुसी गल कीती है, गलत सिटी सिलेक्ट कर लैंदा जिहड़ा कोर्स नाल रिलेटेड जॉब नहीं है या होर भी कई चीजां ने, गलत किसे एजेंट दे थ्रू चला गया, थोड़े ऑफिसिस भी ने उत्थे, की प्रॉब्लम्स की आउंदियां ने, थोड़े तक भी बच्चे विजिट करदे होणे, तुसी बड़े नजदीक तो उहनां दी लाइफ नूं देखिया, की प्रॉब्लम्स फेस करदे ने उत्थे जाके? फिर भाजी अनगिनत ने अमन भाजी जिहड़ियां प्रॉब्लम्स आ रही ने, सब तो वड्डी प्रॉब्लम आती है जी जदों 2 साल का कोर्स कंप्लीट हुंदा है, जदों जॉब लभनी है जी 3 साल का 36 महीने का वर्क परमिट सब नूं मिलना ही मिलना है जी। वो वर्क परमिट का मतलब ये नहीं हुंदा कि काम मिल गया, वो एक लाइसेंस मिल गया, एक परमिट मिल गया टू वर्क 36 मंथ के 36 महीनों 3 साल रेगुलर 1 साल काम करना होंगे जी। हुण सब तो वड्डी प्रॉब्लम आती है जदों कोई पुट्ठा कोर्स चूज किया जी काम नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, वो थोनू 1 ईयर का जरा 12 महीने काम किसी ने देना वो थोनू काम नहीं देंगे, फिर रेलेवेंट काम नहीं मिलता। उ हूँ तुम देखो काम अमन भाजी मिलेगा किमें, देखो पहला कला 1 साल का कोर्स कर गए, पहले साल दूजे साल 2 साल का कोर्स किया, काम तो दबा के किया जी 2 साल, ठीक है जी 2 साल काम दे विच विच पास किए आप मान लो कंप्यूटर कोर्स करना, मतलब PSW तो वेट ही नहीं की थी। नहीं जी उसकी वेट नहीं, उदू पहले ही दबा के काम कर लिया, 2-5-7 लाख रुपया कमा लिया, कंप्यूटर का कोर्स कर गए थे 50% नाल कंप्यूटर का कोर्स पास किया जी। हुण स्टीव जॉब आऊगा लैन ली के माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स आऊगा थोड़े घर थोड़ू लैन ली, ओहो 40% नंबर आ गए थोड़े, बल्ले बल्ले इतू वधिया प्रोफाइल नहीं मैनू मिलनी, आ जाओ मेरी कंपनी के किसी ने नहीं आना, फिर की होगा जी जा तो जॉब खरीदनी पेगी किसी IT कंपनी तो, गलत आ, या फिर इररेलीवेंट जॉब करोगे फिर रौला पाओगे, PR नहीं हो रही, PR नहीं हो रही, फिर पेरेंट्स की कहेंगे करो भाजी जगाड़ संधु साहब कोई 10-15-20 लाख रुपया लगता ला देंगे। मतलब पहला बच्चे नूं रोकना नहीं भी तू पहला की कर रहा, पहला पढ़िया कोर्स पहला नहीं देख के भेजना, पहला जो काम कर रहा है उदो मना नहीं करना, बाद विच 20 लाख रुपया भी खर्च देना। उही जी मैं बार बार एग्जाम्पल दिना कि सानू लोगों नूं छोटियां छोटियां चीज़ें ही बहुत खुश कर दियां ने। हुण किन्ने मतलब देखो होर देखो सब तो वड्डी त्रासदी की है साडे, मेरे कोल कई बच्चे आए सर असी ना एडमिशन ले ली जी कैनेडा के कॉलेज के मोगे इधर उधर हूँ कई जगह पर जलंधर, एक नवा प्रोग्राम शुरू चलिया एजेंटा ने की किया बुकिंग कर लो बच्चों की बुकिंग भी जान ना किसी पास, जिवें कंडीशनल ऑफर लैटर देंदे, कंडीशनल ऑफर लैटर भी फ्री थोड़ा 15,000 बच जू, थोड़ा 10,000 बच जू, तुम साढ़े को आइलट्स भी फ्री करावे, थोड़ा ऑफर लैटर भी फ्री दवावे। जिहड़े 42-44 कॉलेजेस ने ना कैनेडा दे विच उदों 20-25 कॉलेजेस दी पूरे दे पूरे साल ही एप्लीकेशन फीस वेव ऑफ रहिंदी है जी, जो कि आ 2-3 महीने च दस के ते बच्चे खिंचण दी कोशिश नहीं, डॉक्यूमेंट थोड़े तो लै लैने ने जी एवें जन लिजा लिजा के। अच्छा तुसी की करदे हो सिर्फ $100 पिछे, देखो असी उही बंदे हाँ असी उही पंजाबी हाँ कि जदों मॉल दे विच 50,000 रुपए की चीज़ खरीद के रिक्शे वाले नाल 10 रुपए पिछे लड़दे हां, उही हां असीं बदले नहीं हैगे जी असीं, क्योंकि सानू 15 लाख रुपया 14 लाख रुपया खर्चना है बच्चे दे भेजन लई, $100 पिछे वह कॉलेज लै लेना जिहड़ा फ्री ऑफर लैटर, जिहड़ा फ्री ऑफर लैटर दिंदा जिहदे च कोर्स नाल कोई लैना देना नहीं, कॉलेज की लोकेशन नाल कोई लैना देना नहीं, बस सानू $100 की किन्ना फायदा हो गया। देखो एक पूरे की पूरा ना एक लेंटर लग जाना जी, एक 10x10 कमरे का जां एक कीला खरीदया जाना, मतलब सिर्फ $100 ते डुल जाने असीं, कोई आके कह दे भी थोनू फ्री ऑफर लैटर दिंदे आ, बड़े आउंदे ने जी, कोई इहो जिहा कॉलेज नहीं जी जिहड़ा एप्लीकेशन फीस ना लैंदा होवे, उहदे च ही बच्चे नूं एडमिशन करा दो, मतलब सोच देखो साडी की आ, मतलब 15 लख रुपया लाउणा मतलब पहले जिहड़ा 5-7-10 हज़ार बचदा उह चालो, हां उह बचालो जिहड़ा मर्जी कोर्स दे दो। एक इह आ जी, एक इह आ जी कि उंगल रखणगे बच्चे नूं उत्थे भेजना जी, कॉलेज जिहड़ा मर्जी होवे कोर्स जिहड़ा मर्जी होवे एडमिंटन भेजना जी, मैं एडमिंटन मिकारा ब्रदर आ मेरा उत्थे है ना एडमिंटन दे विच, एडमिंटन बच्चों नूं कहणगे जी भेजना है। हुण एडमिंटन भेजने का मतलब पता की है जी,
-60 तक हो जाता उ ठीक है जी। 7 to 8 महीने 6 to 8 महीने स्नो रहती है जी। ये नहीं पता होगा अद्धे दर्शकों नूं कि उत्थे $250 पर मंथ इंश्योरेंस करवानी पैंदी है जी कार की एवरी मंथ वो पे करना पैंदा। फिर जो स्नो आ गई टायर होर चेंज कराओ, जो स्नो हट गई फिर टायर होर चेंज कराओ। जिहड़े तुहाडे रिश्तेदार ने वो बच्चों नूं लैके भी जाणगे कॉलेज तो लैके भी छड के भी आया करनगे, फिर काम ते लैके जाके फिर काम ते लैके आया करनगे, एवें होना नहीं। सो और सेम आ, मैं पहला भी दसदा हुंदा कि सेम आ कि एक कोई गोरा आके हिमाचल च खेती करन लगदा, तुसीं अपने बच्चों नूं सस्कैचवान भेजो, वधिया वा उत्थे काम लई भेज दो। आ कोई जरूरी नहीं है कि जिथे बच्चे पढ़नगे अगर उ थे ही उन्होंने फिर ही PR मिलनी है। तुम ओंटेरियो पढ़ के भी सस्कैचवान जाके PR लै सकते हो, तुम मैनीटोबा च भी जाके PR लै सकते हो, काम करने लिए उत्थे चले जाओ। क्योंकि जी इमीग्रेशन मिलनी है ना जी, वो मिलनी है थोनू BC PNP PNP प्रोग्राम के अंडर या फिर CEC कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंडर। वो चाहे तुम सीधा अगर तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर दो तो CEC के अप्लाई कर दोगे कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, जिन्होंने फैडरल कहने सेंटर गवर्नमेंट कहने जिमें अपना इंडिया आया वो अंडर अप्लाई कर दोगे। BC PNP अगर थोनू कोई स्टेट नॉमीनेशन लैटर दे दें तो PNP के अंडर कर दोगे, जिमें BC हो गया, Saskatchewan हो गया, इदा सारिया ओंटेरियो हो गया, सारिया PNP प्रोग्राम चलाउंदियां ने प्रोविंशियल नॉमीनेशन प्रोग्राम। सो बच्चों पढ़ाई जिथे भी करते हो अलग विशा आ, पढ़ाई के नाल PR का कोई लेना देना नहीं, PR का लेना है वर्क के नाल जी, जिहड़ा थोनू काम मिलना है और काम मिलना कोर्स करके, काम मिलना थोनू कोर्स करके। कोर्स वो करोगे जिहड़ा वधिया जिदी उधर ज्यादा वधिया ऑप्शन्स ने, कोई 13वां कोर्स तुसी नहीं चूज करोगे। गल मुकदी बैक ते अगर आ जाइए जिथों आपां शुरू कीती सीगी जी, वो यही है कि कैनेडा नूं बहुत सारे जिहड़े एजेंट्स ने रीप्रजेंट नहीं करते। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने देता प्राइवेट कॉलेजां ने तां स्पैशली करियाने वालियां नूं भी रीप्रजेंटेशन वंडियां हुई ने जी। हर पिंड दे विच न्यूजीलैंड दा इक कॉलेज दा रीप्रजेंटेटिव मिल जू, झोला पा के फिरदे रहिंदे ने बी कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 दे। कैनेडा दे विच इह जे हुंदे नहीं, फिर वो करदे की ने, हुण तुहाडे तों फाइल लैंदे ने, आप उन्हां नूं कुछ पता नहीं हुंदा, एक्सपर्ट वो हुंदे नहीं, तुहाडे सामने किसी एक्सपर्ट नूं फोन कर नहीं सकदे। जो उन्हां नूं पता हुंदा अद्दपजद्दी नॉलेज वो तुहानूं दे दिंदे ने, उन्हां दी दित्ती हुई नॉलेज तों ही तुसीं फिर अग्गे अपना केस प्रोसैस कर दिंदे हो। कोर्स गलत लिया जांदा जी, कॉलेज गलत लिया जांदा, 100-100 रुपए पिछे ना भजो, एक्चुअल कोर्स लवो, कोर्स नूं एप्लीकेशन फीस दे नाल जां किसी होर चीज़ दे नाल ना करो। कैनेडा लई दर्शको स्पैशली मैं ये बार बार यही रिक्वेस्ट करता, कैनेडा लई एक्सपर्ट है ही नहीं, पंजाब दे विच बहुत घट ने, पहचान के उन्हां दी किवें जाएगा एक्सपर्ट परख के चंगी तरह चेक करके फिर तुसी कैनेडा दा जिथे भी केस लाउणा लायो। कैनेडा पहुंचना ही थोनू सारे पहुंचा देणगे, मैं हर बार यही गल कहना भी थोनू करियाने वाला भी पहुंचा दूंगा जी कैनेडा दे विच दा वीजा, कोई भी लवा दू थोड़ी प्रोफाइल नाल वीजा लगना, की थोड़ी उत्थे जाके हैल्प कर सकदा, की थोड़ी PR च हैल्प करेगा, की थोड़ी वर्क परमिट च हैल्प करेगा, थोड़े स्पाउस वीजा लई हैल्प करेगा, थोड़े पेरेंट्स नूं उत्थे पहुंचाउण लई हैल्प करेगा जी। उहनूं फॉर्म भी पता नहीं उत्थे किहड़े भरे जाने ने, जां थोनू वर्क परमिट थोड़ा अपलाई होना जां थोड़ी PR होनी आ, हैगे ने उहनां दे ऑफिसर्स थोनू मिल लेणगे। मेरा कोई भी तुसी मेरी वैबसाइट खोलो, फेसबुक खोलो, उहदे ते हैल्पलाइन नंबर कैनेडा दा जिहड़े मर्जी टाइम ते करो, वो साडा हैल्पलाइन चलदा, वॉइस मैसेज ते मैसेज छड्डो, टैक्सट करो, कैनेडा दे ऑफिसर्स नूं मिलो जाके। सो रैफल्स एड्यू सिटी दे विच दर्शको असी ये साडी इक कोशिश आ कैनेडियन बीइंग कैनेडियन एक्सपर्ट 40 कॉलेजेस नूं डील करन दे नाल नाल असी थोनू थोड़ी प्रोफाइल दे हिसाब नाल कोर्स नूं दसदे आ कि आ कोर्स वधिया। सो दैट पता की हुंदा अमन भाजी कि मैनूं कई बार हैरानी हुंदी आ जी, एक कि कई एजेंट्स ना जी साडे सिर्फ आपदे थोड़े जे फायदियां लई, थोड़े जे पैसियां लई जां आपदे फायदे लई बच्चियां दी लाइफ खराब कर दिंदे ने जी। ये किड्डी वड्डी गल है जी। मेरे फादर साहब एक स्टोरी सुनाउंदे हुंदे ने जी कि एक डाकू अपने बच्चे दे नाल जा रहा सी, बुजुर्ग हो गया जी डाकू, वो अपने बच्चे दे नाल जा रहा सीगा, जंगल चों लंघ रहे सी, तां उहदे डाकू दे बच्चे ने पुछिया कि पापा आ सामने जिहड़ा उपर टिल्ले दे उपर घर आ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 12-13 ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਅਮਨ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਦੀਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਗ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਦੀਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਗ ਰਿਹਾ। 12 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਦੀਵਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਬਾਦ ਆ, ਘਰ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਆ ਸਾਡਾ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। सो एजेंट्स जिहड़े ये सोचते हैं जी कि असी सम किसी के बच्चे की लाइफ खराब करके आपके बच्चों की लाइफ बनावांगे, यही होया ना जी कि थोड़े बच्चे की लाइफ खराब करो, उन्हें खूह च सिट्टो, तो वह जो 2.5-3 लाख रुपया कुंडी मारी वह घर ले जाके आपके बच्चों दवो। सो
ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰੈਫਰਲ ਐਡਿਸਿਟੀ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਕੋ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਾ ਕੌਣ ਉਤਰਦਾ ਜੀ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਹ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਗੈਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, ਰੈਫਰਲ ਐਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਸਵਰਨ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਡਾਊਟਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਕੋਰਸ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਰੈਫਰਲ ਐਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰਲ ਐਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰਲ ਐਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਈ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੋਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆ, 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ NMIT, ਵਰੈਕੀ, ਓਟੈਗੋ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ, ਬੇ ਆਫ ਪਲੈਂਟੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਾਲਜਸ, ਕੈਟਾਗਰੀ 1 ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰਲ ਐਡਿਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੈਫਰਲ ਐਡਿਸਿਟੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।